यूज ऑफ डू एंड डज। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, डू और डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो है ता है, ते हैं, ती हैं, और इनके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, शी, इट, नेम्स, दिस एंड दैट, जिसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, मतलब डज। डज हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे, नेम्स या किसी का नाम, दोज, दीज, उसके साथ क्या यूज़ होगा, डू। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, पहले जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से यूज स्टार्ट होते हैं, दूसरे जो हमारे क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट टाइप डिस्कस किया है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, मतलब डू या डज से स्टार्ट होगा। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे वो डू या डज से स्टार्ट होंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या फिर डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। हम यहाँ देख लेते हैं अपने कुछ सेंटेंसेस। डज ही ईट नॉन वेज, क्या वह मांस मछली खाता है? ही डज नॉट ईट नॉन वेज, वह मांस मछली नहीं खाता है। डज शी वॉन्ट टू कम हेयर, क्या वह यहाँ आना चाहती है? शी डज नॉट वॉन्ट टू कम हेयर, वह यहाँ आना नहीं चाहती है। डू आई लुक बेटर देन बिफोर, क्या मैं पहले से बेहतर दिख रहा हूँ? आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। डू यू वॉन्ट टू नो द ट्रुथ, क्या तुम सच जानना चाहते हो? यू डोंट नो द ट्रुथ, तुम्हें सच नहीं पता है। डू दे वॉन्ट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, क्या वे लोग इस विषय पर बात करना चाहते हैं? दे डू नॉट वॉन्ट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, वे लोग इस विषय पर बात करना नहीं चाहते हैं। डज इट मेक एनी सेंस, क्या इस बात का कोई मतलब बनता है? इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इस बात का मतलब नहीं बनता है। ये थे हमारे कुछ सेंटेंस जो हमने ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे के साथ हमारे अब सेंटेंस बना के आपको दिखाया और आपके साथ शेयर किया। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अलग अलग चीज़ों से, तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए, अपने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए ये क्लियर वीडियो लेके आई हूँ डू और डज के यूज़ के साथ। आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में और सेंटेंस बना के दिखाइए और ये भी बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। Please like it, share it, do not forget to subscribe it. Till then, take care.